भोजपुरी के चॉकलेटी बॉय प्रदीप पांडे चिंटू इन दिनों अपने आने वाली मेगा बजट फिल्म वन मैन आर्मी की शूटिंग में व्यस्त हैं। यह फिल्म नेपाल के स्विट्जरलैंड मुश्ताक में शूट हो रहा है। फिल्म की शूटिंग की तस्वीरें अभी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी है, जिसके बाद चिंटू के फैंस फिल्म के रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू के साथ एक्ट्रेस शिल्पा पोखरियाल नजर आएंगी। चिंटू की यह फिल्म इसलिए भी खास है क्योंकि मशहूर गायिका बेबी काजल इस फिल्म में अपना एक्टिंग डिब्यूट कर रही है। पशुपतिनाथ फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बन रही है वन मैन आर्मी एक एक्शन पैक फिल्म है। इस फिल्म के निर्माता रंजीत सिंह और सोनू खत्री हैं। फिल्म के निर्देशक की बागडोर भी सोनू खत्री ही संभाल रहे हैं। इस फिल्म में प्रदीप पांडे चिंटू का अब तक की सबसे खतरनाक बाइक चेंजिंग स्टंट देखने को मिलेगी। मेकर्स की माने तो इस फिल्म का एक्शन दूसरी भोजपुरी फिल्मों से जरा अलग है। बॉलीवुड और साउथ फिल्मों के पैटर्न पर इस फिल्म को बनाया जा रहा है। यह फिल्म में वन मैन आर्मी में चिंटू के साथ शिल्पा पोखरियाल की जोड़ी बनाई गई है। शिल्पा पहले भी कई फिल्मों में चिंटू के साथ नजर आ चुकी है। इस फिल्म को लेकर निर्देशक सोनू खत्री कहते हैं कि वन मैन आर्मी पूरी तरह से एक्शन का भरपूर डोज होगी, जिसमें साउथ की फिल्मों की तरह जीवंत एक्शन दिखाया जाएगा। मेकर्स का दावा है कि इस फिल्म के एक्शन को देख दर्शकों को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इस फिल्म के एक्शन मास्टर श्री सेठ हैं। श्री सेठ नेपाल के प्रसिद्ध एक्शन मास्टर हैं। सनी ने आगे बताया कि प्रदीप पांडे चिंटू के साथ यह मेरी चौथी फिल्म है। यह फिल्म वन मैन आर्मी की बात करें तो प्रदीप पांडे चिंटू और शिल्पा पोखरियाल मुख्य कलाकार हैं। फिल्म में इन दोनों के अलावा अमित श्रॉफ और देव सिंह जैसे कई अन्य कलाकार भी शामिल है। मेकर्स को उम्मीद है कि चिंटू की यह फिल्म लोगों को बेहद पसंद आएगी। आपको बता दें कि हाल ही में ग्रीन सिनेमा अवार्ड 2022 में प्रदीप पांडे चिंटू को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। यह फिल्म बहुत ही एक्शन से भरपूर होगी। यह फिल्म वन मैन आर्मी की बात करें तो इस फिल्म में बहुत सारे पारिवारिक गाने सुनने को मिलेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।